1 मे रोजी रात्री दोन्ही राज्यात आलेल्या धुळीच्या वादळानं दोन्ही राज्यांमध्ये मिळून 123 जणांचा बळी घेतलाय. दोन्ही राज्यात शेकडो नागरिक जखमी झालेत. नैसर्गिक आपत्तीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना 4 लाख रुपयांचं अनुदान राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारनं घोषित केलंय. दरम्यान धुळीच्या वादळाचा धोका अजूनही टळलेला नाही. येत्या 36 तासात पुन्हा एकदा धुळीचं वादळ येण्याचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय. धुळीचं वादळ आणि त्यासोबत आलेल्या जोरदार पावसामुळे उत्तर प्रदेशात 70 जणांचा मृत्यू झाला. या वादळाचा सर्वाधिक फटका आग्र्याला बसलाय. एकट्या आग्र्यात 43 जणांनी वादळात जीव गमावलाय. तर राजस्थानमध्ये 38 जण ठार झालेत. वादळानंतर दोन्ही राज्यातल्या अनेक शहरांमध्ये वीज पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झालाय. विजेचे खांब, अनेक झाडं उन्मळून पडली आहेत, त्यामुळे रस्ते वाहतुकीवरही परिणाम झालाय. आपल्यासोबत राजस्थानहून आमचे प्रतिनिधी दीपक गोयल आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याकडनं आता नेमकी राजस्थानमध्ये काय परिस्थिती आहे ते जाणून घेऊयात. दीपकजी, फिलहाल वहां पे हालात क्या है और डिजास्टर मॅनेजमेंट की तरफ से किस तरह राहत देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से बुधवार की रात को जो आफत आई, वो पानी नहीं बरसी, वो आफत बरसी, और उस आफत ने ऐसे जिले, जो 3 जिले हैं, धौलपुर, भरतपुर और कह सकते हैं अलवर, उनमें इफेक्ट किया. और सबसे ज़्यादा जो राजस्थान का जो आंकड़ा बताता है आपदा प्रबंधन विभाग का, वो करीब 35 मौत और 205 लोग घायल इस आफत में हुए हैं. हालांकि मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर है और लाडनू से पहले वो भरतपुर जाएंगी और उन शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देगी जो इस हादसे में जिनकी मौत हुई है. उसके बाद वो पहुंचेंगी धौलपुर में. धौलपुर में एक ऐसा गांव है जहां पर करीब 40 मकान है, वो जलकर राख हो गए एक चिंगारी से. एक घर में है, आपको हम उसका तस्वीरें दिखाते हैं, वो BPL परिवार है हालांकि, लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं है. जो उसका घर है वो तबाह हो चुका है, एक चिंगारी से जलकर राख हो गया है. आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि वो तस्वीर है, वो मंजर उस समय था जब सुबह लोग उठे तो इस तरह की तस्वीर उनको दिखाई दी. हालांकि प्रशासन यहाँ पहुँचा है, कुछ देर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुँचेंगी. ये उनके, आप देख सकते हैं घर की, परिवार की वो तस्वीरें हैं, वो महिलाएं. हालांकि ग्रामीण यहां पर मदद कर रहे हैं, प्रशासन यहां पहुंच चुका है और कुछ देर में मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचेगी. मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की यहां मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है SDRF नॉर्म्स के अनुसार. साथ ही उन परिवारों को जो घायल हुए हैं उनको भी 50 से 60% तक जो घायल हुए हैं उनको करीब 60,000-60,000 रुपये देने की यहाँ घोषणा की है. पुलिस का हमला यहाँ पहुँच चुका है, प्रशासन के नुमाइंदे यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी इनको मदद की दरकार है. क्योंकि आप ये देखिए, आप ये लोग मदद करने के लिए यहाँ पर, रवि बताएंगे किस तरह से लोग यहाँ मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनका सब कुछ जलकर राख हो गया है. आप यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर किस तरह का घटनाक्रम हुआ था उस दिन? आग लगी थी. कैसे लगी थी आग? किसी उसमें खाना बनाने समय किसी में आग लगी थी, झोंपड़ी में. उसके जरिए से आग लगी थी, हवा के जरिए से. अच्छा, हवा के जरिए से. तो पूरा गाँव, कच्चे मकान थे, सब जल के जिधर हवा का प्रवाह था उसी तरह से आग बढ़ती गई थी. आग बढ़ती गई. अब प्रशासन मदद कर रहा है? हाँ, कर रहा है. प्रशासन मदद जरूर कर रहा है और उम्मीद इनको जरूर है. यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँच चुके हैं और तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ तस्वीरें और हम दिखाना चाहेंगे, रवि दिखाएंगे, कि जो लोग इन 2 जून की रोटी के लिए सब कुछ उनका जलकर यहाँ पर राख हो चुका है, अनाज है. हालांकि प्रशासन यहाँ नुमाइंदे यहाँ पर पहुँच चुके हैं. बाहर की फिर एक बार तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे. ये तो एक घर का दृश्य था, लेकिन दूसरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे. पूरा गांव है और पूरे गांव के अंदर जिस तरीके से तूफान ने तबाही मचाई और वो मंजर था, वो अलग था. हालांकि प्रशासन के नुमाइंदे यहाँ पहुँच चुके हैं. तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि लोग अब मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं. और ये दूसरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, किस तरह से आग इतने विकराल रूप लिया और आग पहुंचते पहुंचते तमाम उन घरों तक पहुंच गई और करीब 40 से 50 घर इसमें यहां पर जलकर राख हो गए. दूसरा घर है हम पहुंचे हैं, ये भी BPL परिवार है. अब वो व्यस्तता फिर से पटरी पर आ सके, उसके लिए यहां पर मशक्कत यहां के परिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं. चारा है गायों का, वो जलकर राख हो गया है. अब इनको उम्मीद है कि प्रशासन इनकी मदद करे, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो मदद करे, और ज़रूर मदद भी की जा रही है. यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ मदद करते हुए दिख रहे हैं. ये तस्वीरें आप देखिए कि जिस अन्न के लिए, ये 2 जून की रोटी कमाने के लिए ये जो मजदूरी करते हैं, वो आज जलकर राख हो गया है. इनके घर में इनके आशियाने छिन गए हैं. तो सरकार से उम्मीद यही
कि जल्द से जल्द सरकार इनको हर संभव मदद दे। यहाँ के ग्रामीण और हालांकि प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है और मदद कर रहा है। सामने तस्वीरें रवि दिखाएंगे कि प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं, जो आसपास के ग्रामीण हैं, वो मदद कर रहे हैं, लोगों को गेहूँ राहत सामग्री पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो ये वो तमाम तस्वीरें हमने दिखाई और आगे भी इसी तरह की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुँचेंगी चौकस और जो यहाँ जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसका फीडबैक अधिकारियों से लेंगी। और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि मदद के लिए बढ़ते हाथ, ये ग्रामीण है, प्रशासन यहाँ पहुँचा है और लोगों की मदद कर रहे हैं। किस तरह से मदद कर रहे हैं ये गांव को, ये जो यहाँ आग लगी हुई है उनके लिए मदद कर रहे हैं, जितना जिससे बनना है। बस्ती माता से बोरेली गांव से आए हुए हैं, कुछ लोग जाट हुए हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ठाकुर हैं, कुछ ब्राह्मण हैं। इस तरीके सब लोगों ने यहाँ के आके इनकी मदद की है, जितना जिससे बन रहा है उतना कर रहे हैं। बिल्कुल, ग्रामीणों की मदद बहुत जरूरी है, ग्रामीणों की मदद करना। ऊपर हमारा कुछ भी नहीं, सब ऊपर वाले का वही दे रहा है, वही दे रहा है, सब ऊपर वाले का है। और तो भी सो रहे हैं लेकिन भागो तो हमारा कर्म कर्तव्य कर रहे हैं। हम तो आपका कर्तव्य गाँव में इस तरह की देखने को मिलता है, शहरों में नहीं। ऊपर वाला दे रहा है तो जरूर की जा रही है और मदद की भी जानी चाहिए। ये तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश फिर एक बार करते हुए है कि किस तरीके से यहाँ पर साइकिल बाइक अनाज सब कुछ जलकर राख हो गया है। और अब कुछ देर में जब मुख्यमंत्री वसुंधरा जी यहाँ पहुँचेगी तो क्या कुछ यहाँ घोषणा करती है, ये सब कुछ अब देखने वाली बात होगी। ये मकान है और मकान भी जलकर राख, लोग मदद के लिए आगे जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन जिस तूफान ने जिस तरह का कहर बरपाया, राजस्थान में 35 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 205 लोग यहाँ घायल हो चुके हैं। SDRF नॉर्म्स के अनुसार इनको पहली बार आंधी तूफान और बिजली गिरने को SDRF नॉर्म्स में यहाँ शामिल किया गया है। तस्वीरें देखिए बयां करती हैं किस तरह का मंजर यहाँ देखने को मिला था। जब आग खुली तो इस तरह का मंजर था, सब कुछ जलकर राख है। अभी भी आग की चिंगारी है वो यहाँ धधक रही है। आप यहाँ की मुखिया हैं, आपका मकान किस तरह का घटनाक्रम हुआ था? सब घटना ही है मेरा था जी। जी पूरा सब कुछ जलकर राख हो गया, राख हो गया सबको, सब कुछ राख हो गया। बच्चे पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कहाँ हैं बच्चे आपके? एक तो नहीं होगा, वो एक तो उनकी किताबें भी जल के राख हो गई। ये देखिए इनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, शायद उनकी किताब भी जलकर यहाँ राख हो गई, सब कुछ जल के राख हो गया। कक्षा 10 की किताब है और सब कुछ जल के राख हो गया। तस्वीरें देखिए जिस घर में बच्चे पढ़ते हो और वहाँ सब कुछ तबाह हो जाए तो वो तस्वीर, वो भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। छोटे छोटे खत्म हो गया बाम साहब, कोई चीज भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है। सरकार की ओर से मदद तो मिल रही है, कुछ भी नहीं। ग्रामीण तो कुछ कर रहे हैं आपको, गेहूं राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं तुम्हारे यहाँ, सरकार पहुंचा रही है। बिल्कुल पहुंचाई जरूर जा रही है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि राहत सामग्री इनको पहुंची है। बिल्कुल दीपक, ये तूफान ने क्या कहर बरपाया वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन आगे भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फ्री 24 तास रहा एक पाउल बुढ़े।